घर में जाके बहन के सबको मारो जो भी है। मैं तो ये कहूंगा भाई शुरुआत में यही काम करो, राम मंदिर तोड़ दो अभी। मैं कह रहा हूँ जितने भी झंडे वाले सब तुम्हारे घर में, पर तुम में से कोई लड़का अगर चार लड़के ऐसे होंगे झंडा बजाना चालू करे बेटा। नीले कबूतर तेरी दिलेरी तेरे पिछवाड़े में घुसाती जाएगी, तेरे गुड़गांव बना देगी यूपी की पुलिस। दोस्तों ये वीडियो गाजियाबाद का बताया जा रहा है कि जहां ये नीला कबूतर लोगों को भड़का रहा है मंदिर तोड़ने के लिए, झंडे उतरवाने के लिए। आप लोग उम्मीद कर सकते हैं, आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट जल्द से जल्द आप लोगों तक आएगा। भाई 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 सुनो सुन सुन सुन, मैं आपको देखते ही समझ गया कि आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, लेकिन इन बच्चों की क्या गलती है? आप स्टिंग कैसे घुमाओगे मेरे भाई ये तो बता दो मुझे। और हेलमेट भी तो नहीं है आपके पास भाई, इतने बंदे क्यों बैठे हुए आप? एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच बंदे बैठे हुए यार, इतना सामान तुम ले रहे हो यार, तुमने तो जिंदगी इन बच्चों की भी खराब कर दी अपने साथ साथ में। अगर इनको कुछ हो गया उसका जिम्मेदार कौन होगा भाई? सामान देख लो दोस्तों, और एक छोटा बच्चा पीछे भी है। वीडियो बनाने वाले ब्रो आप घच्चा खा गए, आपने समझ नहीं पाया, पीछे जो गोदी में बैठा हुआ वो एक नहीं है, उसके नीचे दो और हैं, यानी दो पेट में भी हैं। वैसे ये सब लोग जन्नत जाने की तैयारी में हैं, तो आप लोग बीच में डिस्टर्ब इनको बिल्कुल ना करें, वैसे भी बच्चे अल्लाह की देन है। जाओ जाए लो भैया, 800 भाई है सगे, और 44 लोग ने और 36 लड़की है, और जो और हमारे तैयार हैं, और वो शेर है सगे तैयार भी है, 7 भैया वो है, कम से कम 32 लोग ने उनका है। और भैया पोती पोती भी हो गए लगभग 1, 2, 3, 4, 5 पोते हो गए। टोटल पोती पोते कितने होंगे? सबके सारे आदमी? हाँ सबके, पूरा परिवार। हाँ 150 आदमी है, 150 आदमी मतलब एक तुम्हारे पिताजी के, 150 बच्चे हैं सारे। हमारे किसी पीएम ने बोला था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार इनका ही होगा, चर्चा तो ज्यादा ही सीरियस ले गए। 150 लोग मिलकर अगर 500 रुपये में पत्थर मारने जाएंगे तो एक दिन की दिहाड़ी बनती है 75,000 रुपये, और राशन फ्री में तो सरकार दे ही रही है। चंदन जी क्या लगता है आपको कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में खास करके बिहार की बात करें तो क्या राहुल और तेजस्वी की जोड़ी NDA गठबंधन को मात दे पाएगी या चुनौती दे पाएगी? और सबसे पहले ही बताया कि राहुल गांधी कौन यात्रा कर रहे हैं? भारत जोड़ो ने यात्रा, पैदल यात्रा कर रहे हैं। हाँ पैदल यात्रा राहुल जी कर रहे हैं ना, तो पैदल यात्रा कर रहे हैं तो कोची से घूम रहे हैं, वो थार से घूम रहे हैं, फॉर्चूनर से घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, प्लेन से घूम रहे हैं, तो हम कैसे मानेंगे कि वो पैदल यात्रा कर रहे हैं? पैदल यात्रा मतलब क्या? पैदल जाएंगे उसको ना मानेंगे हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, और हम जाएंगे फॉर्चूनर से तो पैदल यात्रा होगी। आप नहीं ना समझे ब्रो, राहुल गांधी पैदल यात्रा आपको किसी ने जानकारी ही गलत दी है ब्रो, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी पैदल यात्रा नहीं कर रहे, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं खड़गे जी बताएंगे। हमारे राहुल गांधी जी को जो व्यक्ति, जो नौजवान कन्याकुमारी से कश्मीर तक पादयात्रा निकाली देवघर में राहुल गांधी थे, उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगे, हम वहीं हैं, तुम वहीं पे थे, हाँ मोदी मोदी कर रहा था, और आदमी जो आया था सबको भाड़े पे लाया गया था, हमको भी ऑफर मिला था 200 रुपया आदमी प्लस खाना पीना, 200 रुपया आदमी, 200 रुपया आदमी प्लस बाइक खाना पीना पूरी है, हम गए नहीं किए, हमको मोदी पसंद है। देखो जी जब ऐसा ऑफर आया करे तो सबसे पहले आप लोग एक्सेप्ट कर लिया करो भाई, कुछ तो उनसे मिले, बाकी मिलने की उम्मीद तो है नहीं, कम से कम 200 रुपये ही मिल जाए, जाके ताली बजा देने से थोड़ा उनको भी खुशी मिलेगी कि लोग हमको भी जानते हैं क्या, हमारे भी रैली में आते हैं। हाँ एक बात है, इससे इफेक्ट तो पड़ेगा, बेचारी EBM बदनाम होगी। 80 सीटें दो सीट निकाल दे, मैं मैनपुरी से प्रशांत यादव बोल रहा हूँ, 2 सीट निकाल दे, वे योगी के द्वार पे पहुंचा लगाएंगे। आप चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं योगी बाबा, मतलब तो EBM हटाओ, देश को बचाओ। अच्छा EBM हटा के अगर 2 सीट से ज्यादा ले आए तो आप योगी जी के पोछा लगाएंगे? चैलेंज कर रहे हैं, EBM हटाओ, 2 सीट जीत ले, पोछा लगाएंगे। बेटा प्रशांत चुनाव EBM से हो या बैलेट पेपर से हो, लेकिन तुम्हारा काम फिक्स है, तुम पोछा झाड़ू ही लगाओगे, कचरा हिसाब करोगे। अरे CM के घर के बाहर नहीं रहे, सुअर बाड़े में, क्योंकि वहां CM के हाउस के बाहर तेरी औकात नहीं लगाने की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसमें हिम्मत है तो करके दिखा मेरे खिलाफ कार्रवाई, मैं बताऊंगा उसे, और बहुत ही अगर जनता उसको पसंद करती है, इस देश की सारी जनता उसको चाहती है, इतना वो खूबसूरत है, इतना वो बढ़िया व्यक्ति है, तो मैं सीना ठोक के कहता हूं एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा,
तेरे सामने मैं लड़ूंगा, फिर जीतते दिखाइएगा, पता लग जाएगी तुझे तेरी। ये लड़ेगा मोदी जी के सामने चुनाव। बेटा शहजादा अभी तक नहीं तैयार हुआ, शहजादा नहीं तैयार हुआ तो उनके लुच्चे कैसे तैयार हो जाएंगे, नीले कबूतर कैसे, पीले कबूतर कैसे तैयार हो जाएंगे, नहीं तैयार हो सकते। पैंट गीली हो जाती है, उसमें रिसाव होने लगता है वाटर का। पांचों राज्यों में और 24 में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। अच्छा, मोदी जी दावा कर रहे जीत का? मोदी जी जेल में जाएंगे और योगी जी भी जून 24 में जेल में चले जाएंगे। ताऊ जी कांग्रेस फिर से आएगी, के लिए कांग्रेस को पहले होना तो पड़ेगा। नहीं आज मिली है बीड़ी की बंडल क्या, नहीं सुट्टा लग पाया है क्या, दिमाग कम काम कर रहा है। वैसे मोदी योगी को जेल भेजेगा, चलो ठीक है भेज देते हैं, बाथरूम साफ करने के लिए तेरे को रखवा देता हूँ। हालत इतनी खराब है कि लोग अब ये सवाल नहीं उठा रहे कि 2024 की जनरल इलेक्शन से कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाएगी या नहीं, बल्कि लोग अब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 2024 के बाद ऑपोजिशन पार्टी के रूप में रह भी पाएगी या नहीं। इस चमचे को तो आप लोग जानते ही हो कितना बड़ा चमचा है, लेकिन चमचों को भी लगने लगा है कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। अच्छी बात है, धीरे धीरे जो बचे चमचे हैं वो भी समझ जाएंगे कि नहीं लड़ाई तो 2024 में अस्तित्व की है। यहाँ गौशाला बनेगी, बस्ती में कर, बस्ती कर लीजिए आप लोग। अगर आप लोग 10 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं हटते हैं, अभी मैं कराऊंगा FIR सरकारी जमीन पे खड़े होकर के। ये जो तमाशा इतना सालों से आप लोग ने चलाया है, आज आप उसको रोकने आ रहे हैं। मैं गौशाला सुनिए, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, बहुत स्पष्ट, गौशाला ही बनेगी। ये लोग वही हैं जो पूरे प्लानिंग के साथ पहले 2-4 लोग रहते हैं, 10-20-50-100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इनको पीछे से कोई फंड करता रहता है, इनको मजबूती देता रहता है और ये सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पर मदरसा बना लेते हैं, प्रेयर रूम बना लेते हैं और सारी चीज़ें, जो भी अपना एक एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। और जब बाद में सरकार उसको तोड़ने के लिए जाती है तो वो उल्टा उसी के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, हिंसक हो जाते हैं। इसलिए सरकार को पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी ऐसी घटना हो, इनको देखो, पहचानो और सबसे पहले इनका इलाज बहुत ज़रूरी है। दीमक हैं ये जो धीरे धीरे काट देंगे भारत की जड़ को। खुदा है वही भगवान है। जहां जहां खुदा है वही भगवान है, और यकीन नहीं है तो देख लो खुद। ये कभी क्या कहना चाहता है आप लोग शायद समझ गए होंगे कि जहां खुदा है वही भगवान है। कमेंट करिएगा अगर समझे हैं तो। इंडिया का विराट कोहली जब सामने आता था ना उसके मोहम्मद आमिर की, तो उसकी टांगे कांपती थी विराट कोहली की, यार मुझे मोहम्मद आमिर बॉलिंग करने के लिए आ रहा है, विराट कोहली इसको फेस नहीं कर पाता था ठीक से। फराज भाई जी चाय भी है? विराट कोहली ऐसा नहीं कहता कि मेरी टांगे कांप ना। अरे मैं आप उठा के देख लें जी, कोहली ने फेस किया है मोहम्मद आमिर को, आप चेक कर लें। विराट कोहली वॉज शिवरिंग एट दैट टाइम, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सामने मोहम्मद आमिर खड़ा हुआ है और मोहम्मद आमिर की बॉल कहां पड़ के कहां निकल जाए, विराट कोहली डजंट नो अबाउट इट। बोलने से पहले थोड़ा रोटी खा लेते हैं बेटा, खाली पेट ऐसे ही उल्टी सीधी बातें निकलती है। पता विराट कोहली अबू हैं तुम्हारे, अपने मम्मा से पूछ लेना विश्वास हो तो। और तू जिस आमिर की बात कर रहा है, अरे वही आमिर ना जिसको बैन किया गया था रुपए लेने के मामले में। तो ऐसा भैकी भैकी बातें नहीं करते बेटा, औकात मेंटेन करो अपनी औकात। किसान कहता है MSP कर दो, आप कहते हो किसान अन्नदाता है, अन्नदाता फ्री में नहीं देता। मैं किसान हूँ हरियाणा का, दोबारा कहने लग रहा हूँ सर, मैं किसान हूँ, मैं फ्री में नहीं देता। मंडी में पूछता हूँ आड़ती से, हाँ भाई के रेट है, ये रेट नहीं लाता भाई, सस्ता है मंदा, हाँ जी के रेट है, ये रेट ले ले आऊंगा, सुन लो मेरी बात। ये कहता है किसान, किसान यूँ कहता है हमारा अन्न मत खा, ठीक है भाई किसान का अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन जो कपड़ा बना रहा है अपनी बहन बेटियों से बोल उतार कपड़ा, ये नहीं होता। आपको चीज देखनी है ना, किसान का अनाज नहीं बिक रहा तो सरकार खरीदेगी, मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा ग्राहक सरकार भेजेगी, रिक्शा वाले का ऑटो वाले का टेम्पू नहीं चल रहा सवारी नहीं आ रही सरकार भेजेगी। ताऊ जी ने शायद सही ढंग से रेला है, आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कमेंट करके बताइए कि एक तरफा ही नहीं चलेगा, क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं। ओवरऑल पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिख सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब करिए जुड़ जाइए, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching.